Alright guys, welcome back to the channel. This is John Gall speaking. तो वीडियो का टॉपिक देखकर समझ में आ गया आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. अगेन बुलिश केस फॉर बिटकॉइन क्या हो सकता है, ये जो थ्योरी है, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस. तो ये पूरी थ्योरी इस बात पे डिपेंड करती है कि वी नीड टू फर्स्ट बिलीव दैट वी आर इन अ रेंज. तो बिना ये एक्सेप्ट किए कि हम एक रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, इस हाइपोथेसिस का कोई बेसिस ही नहीं बैठता. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि प्रॉपर रेंज यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया. ओके, और मैंने वो कैसे मार्क किया था मैं वो भी बता दे रहा हूँ. सो मैंने वीकली पे, राइट, 61781 के आसपास ये लेवल जा रहा है बिटकॉइन बिट स्टैम्प 1 वीक पे. इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो को मैंने पकड़ा था. ओके, तो ये हमारा रेंज हाई है, ये हमारा रेंज लो है, ये हमारा मिड रेंज है, और ये हमारे क्वार्टरली लेवल्स है, राइट, 0.25 एंड 0.75. तो इवन हाई टाइम फ्रेम भी देखिए समझ में आ रहा होगा कि दिस मेक सेंस. ओके, दिस रेंज मेक सेंस. तो क्विकली इसे एक बार स्कैन करके देख लेते हैं. ओके, रेंज ये क्या था, ये डेविएशन था रेंज पे. राइट, क्वार्टरली लेवल रिस्पेक्टेड, मिड रिस्पेक्टेड. यहाँ पर इसने क्वार्टरली लेवल को एग्जैक्टली होल्ड तो नहीं किया, यहाँ पर किया था, बट यहाँ पर किया था, यहाँ पर नहीं किया. बट अगेन यहाँ पर दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है इन जनरल, मतलब क्या होता है कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे प्राइस इन लेवल से ऊपर जाता है, थोड़ा इस लेवल को क्रॉस भी कर सकता है, देन वापस इस रेंज में आ सकता है, इसे हम डेविएशन बोलते हैं. ओके, तो हमारे पास प्रॉपर लेवल्स तो यहाँ पर मार्क्ड हैं. किन चीज़ों पर अभी हमें फिलहाल ध्यान देना है ये भी समझ लेते हैं. तो इन जनरल मैं इन लेवल्स को डायरेक्शन समझने के लिए यूज़ करता हूँ. ओके, तो आप ये समझो कि अगर इस क्वार्टरली लेवल से हम नीचे हैं, राइट, अगर प्राइस इस क्वार्टरली लेवल से नीचे है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कहाँ जाने का, इस लेवल पे. अगर इसके ऊपर है प्राइस तो वो हमेशा कोशिश करेगा यहाँ जाने का. ऑलराइट, सो इन केस हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है, इसे होल्ड कर लेते हैं, तो हाई चांसेस हम इस मिड लेवल पे जाएंगे. मिड लेवल के ऊपर प्राइस बैठता है, इसे होल्ड करता है अगेन क्वार्टरली लेवल पे, और क्वार्टरली लेवल को अगेन प्राइस होल्ड करता है, तो हम वापस से अपने रेंज हाई पे जा सकते हैं. ओके, ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कम्प्लीटली एक डेविएशन है प्राइस का, ठीक है, जहाँ से यहाँ पर भी हम मे बी ऊपर विक मार सकते हैं. कहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ. पेरेंट्स सबको हटाओ. ऑलराइट, सो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे मेरा ध्यान रहेगा. ऑलराइट, सो अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि है 38523 पे, 41290, राइट, 41290 इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल. इसके बाद में और कहाँ रेजिस्टेंस मुझे देख सकता है, अराउंड हियर 49458, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आई थिंक ये लेवल मेरा टेस्टेड है. उसके बाद सीधा हम कहाँ जा सकते हैं, 63400 तक विक जा सकती है, अदरवाइज 62000. सो मैक्रो के हिसाब से अगर मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो सकता है, दिस राइट, क्योंकि एक डेविएशन है रेंज हाई के ऊपर, दिस एंड देन बैक हियर, राइट, बैक अराउंड दिस लेवल एंड देन वापस नीचे, ठीक है. अब यहाँ कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न और मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज डजंट रियली मेक मच सेंस. सो मे बी इफ यू कम डाउन अगेन, यहाँ पर हम वापस आते हैं, इस लेवल को ब्रेक करते हैं, फिर वापस से नीचे जा सकते हैं. ओके, अराउंड 12000, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ. समवेयर अराउंड हियर प्राइस वापस जा सकता है, मेरा मानना इससे भी नीचे जा सकता है, यू नो, अराउंड 10000. ओके, सो ये ओवरऑल बुलिश सिनारियो अगर हमें क्रिएट करना चाहते हैं तो ये हो सकता है मार्केट में. राइट, इसके अलावा कोई मार्केट फोर्स ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो प्राइस को इस लेवल से, राइट, वी आर ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब हम 32000 तक हम नीचे गए थे, 33000 तक, यहाँ से वापस 62K जाना इट्स नॉट ईजी, राइट, बिकॉज बहुत सारे रेजिस्टेंस आप अपने इस पूरे डाउनफॉल में क्रिएट करते आए हो, उन सारे को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनीवे आपका होने वाला है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है. तो अभी प्राइस ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के पास आ ही रहा है. उसके अलावा ये सारे क्या है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, जो प्राइस के ऊपर जाने से रोकेंगे. एंड देन ये हमारे डायरेक्शनल लेवल्स, राइट, ये क्वार्टरली, ये मिड, ये क्वार्टरली. ये भी हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, राइट, जस्ट डेविएट होके वापस नीचे आ जाए हमारे रेंज लो तक, विच इज अराउंड 30K, ठीक है. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर प्राइस थोड़ा और नीचे आता है, नो, अराउंड 29K के आसपास. सो 29-30K तक हो सकता है कि हम बॉटम आउट कर जाएं, राइट, आने वाले समय में. बॉटम आउट किस सेंस में, कि प्राइस यहाँ से डिविएट होकर नीचे आए एंड देन वापस अपना मूव स्टार्ट करे, कहाँ के लिए, 62 जाने के लिए, राइट, 62K पहुँचने के लिए. अदरवाइज अगर हम यहाँ पर आते हैं, वी ब्रेक बिलो दिस लेवल, अगर हम 30000 के नीचे जाते हैं, वी विल कीप ऑन फॉलिंग डाउन, ठीक है, फिर प्राइस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाना है वापस मार्केट को पकड़ पाना, ठीक है, और फिर यहाँ से 12000 और इवन अ विक टू 8 और 10000, ठीक है. सो बुलिश सिनारियो के नाम पे यही चीज़ मुझे दिख रही है,
यू गाइस वांट द मार्केट टू बी बुलिश देन जस्ट होप दैट वी आर एक्चुअली ट्रेडिंग इन अ रेंज. ठीक है, देखने से तो यही लग रहा है यू नो, आई मीन थ्री डे पे भी अगर देखोगे तो आई मीन दिस मेक्स सेंस राइट, दिस मेक्स सेंस है ना, नॉट अ बैड डील. अगेन अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो वी कैन गो ऑल द वे टू 80K राइट, वी कैन, आई एम नॉट सेइंग हम जाएंगे बट हो सकता है राइट, हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर एक न्यू ऑल टाइम हाई को अगर देखेंगे तो फिर 80-81K वही प्राइस लेवल में देखना चाहूँगा. सो यही बस मुझे डिस्कस करना था, बताना था. अगर किसी को लेवल्स चाहिए अपने चार्ट में भी तो यू कैन हैव अ लुक. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. राइट अभी यहाँ पर शायद सारे लेवल्स क्लियर देखेंगे. 617815385245923739994 and 30066. ठीक है, तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हो, थोड़ा डायरेक्शन समझ में आएगा मार्केट का. राइट, सो आई होप दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल. ऐसा कोई होप ही हम क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, बट इट इज वॉट इट इज. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स. आई विल सी यू गाइस अगेन, टिल देन टेक केयर, चीयर्स.